हे गाइस, वेलकम बैक टू वार्डरोब स्टोरीज। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो लास्ट वीडियो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी वो थी किचन टूर। इसके अलावा मैंने अपना फायर एरिया डेकोरेशन प्लस अपना डाइनिंग एरिया सेटअप आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियोज नहीं देखी है देन प्लीज आप जाके देख सकते हैं। अगर आप अपना इंटीरियर कराने का सोच रहे हैं तो ये सारी वीडियोज आपको काफी हेल्पफुल रहेंगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि मेरी सारी वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम नोटिफाई हो जाएं। एंड आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना यूटिलिटी टूर। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि पहले यूटिलिटी कैसी लगती थी। तो बिल्डर के साइड से जो यूटिलिटी हमें मिली थी वो कुछ इस तरह की थी। इसमें हम लोगों ने बहुत सारे चेंजेस प्लान करे सो डैट इसे पूरी तरह से फंक्शनल बना सकें। यूटिलिटी डिज़ाइन करते टाइम अपने रिक्वायरमेंट्स को काफ़ी क्लियर रखें तो इससे इजी हो जाता है पूरा प्रोसेस। तो हमारी जो पहली रिक्वायरमेंट थी वो थी इंस्टॉलेशन ऑफ टाइल्स, क्योंकि किचन में हम लोगों को बिल्डर ने फ्लोर टू सीलिंग टाइल्स ऑलरेडी प्रोवाइड की थी। तो हम लोगों ने सोचा यही चीज़ हम सेम कॉपी करेंगे अपने यूटिलिटी एरिया में भी। सो यूटिलिटी एरिया में जो टाइल का कलर सिलेक्शन था वो मैंने ऑफ वाइट कलर का रखा। मुझे लाइट कलर में चाहिए था, बिल्कुल वाइट कलर भी नहीं चाहिए था यहाँ पर इंस्टॉल करने के लिए, तो मैंने ये ऑफ वाइट कलर की टाइल्स को पिक किया। यूटिलिटी टाइल इंस्टॉलेशन भी हम लोगों ने फ्लोर टू सीलिंग करवाई है। ये वन टाइम एक्सपेंस है लेकिन अगर आप इसे करवा लेते हैं तो आप लोग को बहुत रिलीफ मिल जाता है। पूरा एरिया हमेशा नीट एंड क्लीन दिखता है। एंड अगर आपको कभी लगे कि कोई पर्टिकुलर एरिया खराब हो रखा है, गंदा लग रहा है, तो आप आराम से इसे इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। तो क्लीनिंग का जो काम है वो बहुत ईजी हो जाता है एंड ये एरिया हमेशा जो है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज एंड क्लीन लगता है। सो टाइल्स का कलर क्योंकि हम लोगों ने ऑफ वाइट कलर में करवाया था तो उससे ही मिलता जुलता कैबिनेट्स का कलर मैंने यहाँ पे करवाया है। बिकॉज मेरे को तो यहाँ पे थोड़ा सा लाइट पैलेट ही चाहिए था तो वही मैंने यहाँ पे फॉलो करा है। एंड अगर आप लोग भी अपनी यूटिलिटी एरिया को रेनोवेट करा रहे हैं या फिर अपने घर का इंटीरियर करा रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि ये टाइल्स ज़रूर इंस्टॉल करें। इससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है एंड यूटिलिटी एरिया हमेशा बहुत नीट एंड क्लीन दिखता है। बिल्डर की तरफ से जो काउंटर टॉप मिला था वो सिर्फ आधे किचन को ही कवर कर रहा था लेकिन मुझे काउंटर टॉप पे ज़्यादा स्पेस चाहिए था, प्लस काउंटर टॉप के नीचे मुझे अपनी मशीन्स अकोमोडेट करनी थी। सो हमने डिसाइड किया कि पुराने वाले काउंटर टॉप को हम लोग डिमोलिश करेंगे, उसकी जगह हम लोग इस तरह से एक नया काउंटर टॉप इंस्टॉल करवाएंगे पूरा वॉल टू वॉल। मुझे इस एरिया में क्वार्ट्स लगवाना था वाइट कलर का लेकिन डिज़ाइनर ने सजेस्ट किया क्योंकि ये एरिया बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है जल्दी एंड बहुत सारे स्टेन्स जो हैं वो उस पर आ सकते हैं, इसलिए उन्होंने सजेस्ट किया कि हम ग्रेनाइट को पिक करें। तो ग्रेनाइट में क्योंकि लिमिटेड कलर ऑप्शंस थे तो हम लोगों ने फाइनली ये वाला पिक किया ताकि ये मैच हो सके पूरी कलर थीम के साथ। एंड जब भी आप लोग अपना यूटिलिटी को प्लान करें तो अपनी मशीन्स के लिए एक डेडिकेटेड स्पेस ज़रूर बनवाएं। मेरे पास यहाँ पर वॉशिंग मशीन एंड डिश वॉशर था तो मुझे उसके लिए यहाँ पे एक डेडिकेटेड स्पेस बनवाना था। जितनी भी सेटिंग थी उसके लिए वो हम लोगों ने पहले ही करवा ली थी क्योंकि यहाँ पे चिपिंग अलाउड नहीं है बिल्डर की साइड से। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो भी प्लम्बिंग सेटिंग थी वो आउटसाइड पाइप वगैरह डाल के अच्छे से यहाँ पे कर ली थी ताकि कन्वीनियंट हो जाए एंड बार बार मशीन्स को आगे पीछे ना करना पड़े। अगर आप अपनी मशीन्स को डेडिकेटेड स्पेस दे देते हैं तो आपका बहुत सारा स्पेस बच जाता है, प्लस ये एरिया बहुत ऑर्गेनाइज दिखता है। सो मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए जो प्लग पॉइंट्स चाहिए थे वो हम लोगों ने काउंटर टॉप के नीचे ही लगवा दिए थे सो डैट वायर्स वगैरह काउंटर टॉप के ऊपर विजिबल ना हो। एंड इसका जो स्विच का जो कंट्रोल है वो हम लोगों ने काउंटर टॉप के ऊपर रखवाया है। सो इस तरीके की सेटिंग अगर आप पहले से ही प्लान कर लेते हैं तो जितना भी वायर्स वगैरह जो बाहर दिखती हैं, उलझी हुई तारें दिखती हैं, वो सब आप अवॉइड कर सकते हैं। एस बेंगलोर का वेदर बहुत अनप्रिडिक्टेबल रहता है तो कई बार कपड़े सुखाने में बहुत दिक्कत होती है तो ड्रायर की बहुत ज़रूरत होती है यहाँ पे। सो हम लोगों ने यहाँ पे जो वॉशिंग मशीन ली है उसमें इनबिल्ट ड्रायर है। अगर आपको इस वॉशिंग मशीन का एक डेमो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। आई विल ट्राई कि इसके जितने भी फंक्शंस हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एंड बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कि वॉशिंग मशीन डिफरेंट लें एंड उसके साथ साथ एक अलग से ड्रायर भी लें, लेकिन उस केस में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए क्योंकि स्पेस कंस्ट्रेंट था तो मैंने यहाँ पे प्रेफर किया कि एक ही इनबिल्ट ड्रायर एंड वॉशिंग मशीन चाहिए। सो अगर आपको ये यूटिलिटी टूर अच्छा लग रहा है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये पूरी सेटिंग कैसी लग रही है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे इंस्टॉल करवाया है बॉश का डिश वॉशर एंड आई थिंक आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है डिश वॉशर इंस्टॉल करवाना। अगर आपको इसका एक सेपरेट वीडियो चाहिए कि ये कैसे फंक्शन करता है देन प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, मैं एक सेपरेट वीडियो इसके ऊपर बना दूंगी।
सो फाइनली आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी दोनों ही मशीन बहुत अच्छे से यहाँ पे अकोमोडेट हो गई हैं एंड बहुत कन्वीनियंटली मैं इसे ऑपरेट कर पा रही हूँ। यूटिलिटी एरिया में कैबिनेट इंस्टॉलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी यूटिलिटी प्लान कर रहे हैं देन प्लीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि कैबिनेट्स को आप ज़रूर इंस्टॉल कराएं, क्योंकि आपका बहुत सारा इंपॉर्टेंट सामान जो है वो यहाँ पे अकोमोडेट हो सकता है। सिंक के नीचे भी हम लोगों ने कैबिनेट बनवाया ताकि इस स्पेस को भी हम बहुत अच्छे से यूज़ कर पाए एंड बिलीव मी बहुत सारा सामान यहाँ पे अकोमोडेट हो गया है। सो वॉशिंग मशीन एंड डिश वॉशर के ऊपर जो कैबिनेट है वहाँ पे हम लोगों ने उससे रिलेटेड सारा सामान रख दिया है ताकि आराम से एक्सेस कर पाऊँ। उसके ऊपर जो शेल्फ है यहाँ पे कुछ मिसलेनियस चीज़ें हैं जो मुझे कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से आप इस पूरे एरिया को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस तरह की कैबिनेट प्लान कर लेते हैं तो बहुत कन्वीनियंट हो जाता है वॉशिंग मशीन एंड डिश वॉशर को यूज़ करना, बिकॉज जो भी ज़रूरी सामान है रिलेटेड टू देम वो आपको एक ही जगह पर मिल जाएगा एंड आपको बार बार इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, तो आपका टाइम भी बहुत सेफ होता है। एंड दूसरे वाले कैबिनेट पे हम लोगों ने यहाँ पे मिक्सर एंड जूसर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो यहाँ पे रख दी हैं ताकि जब भी हमें यूज़ करनी हो तो एक ही जगह पे हमें सारा सामान मिल जाए। प्लस इसके ऊपर वाले शेल्फ में कुछ चीज़ें रखी हुई हैं जो डेली यूज़ के लाइक बैग्स हैं, नैपकिन वगैरह हैं, वो सब वहाँ पर रखे हैं। इन कैबिनेट्स को थोड़ा सा और अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है एंड इसके ऊपर मैं आप लोग के साथ एक सेपरेट वीडियो शेयर करूँगी। कैबिनेट्स को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते थे तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ ओपन शेल्स रखवाई हैं ताकि अगर कुछ सामान रखना हो तो वो भी रख सकते हैं वॉश करने के बाद, या फिर मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ फॉर डेकोरेशन पर्पज़ एज वेल। सो इन शेल्फ्स में मैंने यहाँ पे कुछ प्लांट्स ऐड करे हैं, कुछ डेकोर आइटम्स थे मेरे पास वो सब मैंने ऐड कर दिए हैं। ये एक पेंटिंग थी जो मैंने अपने पुराने वाले घर में बेडरूम में लगाई थी, ये मैंने यहाँ पे रख दी है क्योंकि इसका जो कलर है वो थोड़ा सा मैच हो रहा था इस एरिया के साथ, तो मैंने ये यहाँ पे रख दिया है। एंड यहाँ पे मेरे पास ये एक प्लांट था जो बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा था तो मैंने यहाँ पे रख दिया है, जो काफ़ी अच्छा लगता है। साथ में यहाँ पे कुछ छोटे छोटे मॉन्क्स थे मेरे पास, वो मैंने रख दिए हैं। तो ओवरऑल इसका जो डेकोरेशन पार्ट है वो मैंने यहाँ पे इस तरह से कुछ ऑर्गेनाइज करके लगा दिया है, तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड अट्रैक्टिव भी लगता है। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि यूटिलिटी का ये डेकोरेशन आपको कैसा लगा एंड यूटिलिटी का ओवरऑल जो सेटिंग है वो कैसी लगी। अगर आपकी कोई सजेशन है तो वो भी आप मुझे शेयर कर सकते हैं। सो यूटिलिटी एरिया में जो सिंक लगाई हुई है वो बिल्डर साइड से ही प्रोवाइड की गई थी, तो हम लोगों ने जब वो डिमोलिश करा था पूरा सेटअप तो हम लोगों ने सिंक को रिटेन करवाया था एंड वही हम लोगों ने यहाँ पे इंस्टॉल किया है। किचन में जो हम लोगों ने सिंक लगवाई है वो क्वार्ट्ज मटेरियल में थी एंड यहाँ पे हम लोगों ने स्टील ही प्रेफर करा है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्लीनिंग जो है वो यहीं पे होती है एंड बहुत रफ यूसेज होता है इस एरिया का, तो स्टील की जो सिंक है वो काफ़ी ड्यूरेबल होती है एंड काफ़ी टाइम तक चलती है एंड बहुत ज़्यादा स्टेन्स भी इस पर नहीं आते हैं। एंड अगर आपकी क्वेरी है कि ये इंटीरियर हमने कहाँ से करवाया तो इसके लिए आपको मेरी लास्ट वीडियो देखनी पड़ेगी जो किचन टूर पे है, उसका लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज हिट द लाइक बटन, कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि यूटिलिटी का ये सेटअप आपको कैसा लगा, टाइल्स का कलर एंड कैबिनेट्स का जो कलर पैलेट है वो कैसा लगा। टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो लिविंग रूम टूर पे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो गाइज स्टे ट्यून्ड।